दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ रतनपुर, या बिलासपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रतनपुर का बादल महल, जिसे सतकंडा महल के नाम से भी जाना जाता है। यह कोटा मार्ग में लखनी देवी के जस्ट आगे स्थित है। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं बादल महल। तो दोस्तों यह है बादल महल। यह तो अभी पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, लेकिन यह पहले बहुत ही सुंदर महल हुआ करता था, जिसे रतनपुर के राजा ने अपनी रानी कजरा देवी के लिए बनवाया था। यह महल पहले 7 मंजिलों का था, इसलिए इसे सतकंडा महल भी कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से अंदर की ओर चलते हैं। तो हम लोग महल के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि महल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, लेकिन महल का जो पिलर है वह अभी भी टिका हुआ है। और यहाँ पर पत्थर में कुछ कलाकृति बनाया गया है जो अभी पूरी तरह से मिट चुका है। और यह महल का मेन एरिया है। यह पहले 7 मंजिलों का था, जिसमें अभी केवल 5 मंजिल ही बचा हुआ है। ऊपर का एरिया टूटकर नीचे गिर गया है, जिससे ऊपर के मलबे से नीचे का मंजिला है वह पूरी तरह से दब चुका है, इसलिए अभी यह 5 मंजिलों का ही बचा हुआ है। तो देख सकते हैं कि यह महल का पीछे का एरिया है, क्योंकि सामने खिड़की बना हुआ है और जो इधर का एरिया है पूरी तरह से टूट चुका है। तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बनाया गया था। और जितना दिख रहा है वहाँ पूरा पेड़ उग चुका है। कभी भी रतनपुर आते हैं तो पूरा समय लेकर आइए, क्योंकि यहाँ धार्मिक स्थल के साथ साथ प्राचीन किला भी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाया हूँ बादल महल। यह कोटा मार्ग में स्थित है। यह कोटा मार्ग में बादल महल के साथ साथ लखनी देवी का मंदिर और उसके अलावा कोको बावली कुआं भी मिल जाएगा। तो आइए और देखिए रतनपुर और घूमिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।